बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के पैकेजेस मॉल में। तकरीबन दिन के 2 बज रहे हैं। पार्किंग की सूरत हाल देख सकते हैं। जो अंदर की पार्किंग है वो इस टाइम बिल्कुल फुल हो चुकी है। वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन बाहर की जो पार्किंग है उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ पर गाड़ियों का जो रश है वो आना शुरू हो चुका है। लोग जो जोक दर जोक आ रहे हैं। माल के अंदर की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। मैं इस वक्त पैकेजेस माल के जो अंदर की पार्किंग है, अंदर की साइड की पार्किंग जो मेरे अकब में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। फुल है ये, तकरीबन फुल है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, रश है, लाइन लगी हुई है। लेकिन अब रश में लोगों के दरमियान में फासला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन जहाँ जहाँ पर वीडियो बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलते हैं अब माल के अंदर। माल के अंदर की क्या सिचुएशन है, लोग किस हद तक SOPs को फॉलो कर रहे हैं। एंट्रेंस पर आप लोगों को चेक किया जाता है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, अगर बन गई तो आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे, अगर नहीं बनी तो मेरे आंखों देखा हाल यही है इस वक्त कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बस ये है कि मास्क पहना जा रहा है, मास्क सब लोगों ने पहना हुआ है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। मास्क के बगैर आपको माल में एंटर ही नहीं होने दिया जाता। एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा को बंद किया गया है। जो पैकेजेस माल का सिनेमा है इसको बंद किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चों का प्लेलैंड एरिया है ये भी बंद किया गया है। और इसके अलावा जो फूड की दुकानें हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, उनको भी बंद रखा गया है। इसको बंद करने की क्या वजह हो सकती है? एक तो रमज़ान है, रोज़ा है, इस वजह से शायद बंद किया गया है। या दूसरा, यहाँ पर वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो जिन जगहों पर रश ज़्यादा होता है उनको बंद रखा गया है। लेकिन कपड़े के, जूते के, गारमेंट्स वगैरह के रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं उनको वो खुले हुए, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पर। यहाँ मौजूद हाइपर स्टार की बात अगर हम करते हैं, जो या सुपर स्टोरेज का नाम कैरीफोर इसका नाम रख दिया गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपको ग्लव्स दिए जाते हैं, इसके अलावा आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है। वहाँ पर डिसइंफेक्शन वाली जो स्प्रे होती है, जो ओवरऑल आपकी बॉडी पर होती है, कपड़ों पर होती है, वो आपको दी जाती है। तो कारेफोर के जो हाइपर स्टार है उसके इंतज़ामियात बहुत अच्छे हैं पूरे मॉल के अंदर। बाकी रश है, लोगों की तरफ से अमल नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ के इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि लोगों के ऊपर अमल करवाया जा सके। जो उम्र रसीदा हजरात हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो कोशिश करें कि मॉल में ना आए, बच्चों को साथ ना लेके आए, क्योंकि बैठने के लिए यहाँ पर कोई सीट, कोई कुर्सी अवेलेबल नहीं है। जो सीटें, जो कुर्सियाँ या कॉरिडोर पर लगी होती थी आम दिनों में, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। मॉल के अंदर स्टाफ कम है। स्टाफ कम होने की वजह हमने पूछी एक दो बंदों से, उन्होंने हमें बताया कि बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। फूड कोर्ट, फूड से रिलेटेड जो शॉप्स है, वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सिक्योरिटी होती थी, बाउंसर्स होते थे यहाँ पर, दीगर जो अमला था इनका, बहुत से लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पर अब मौजूद है। जो सिक्योरिटी का अमला भी इतना ज़्यादा नहीं है। यक्का दुक्का अगर आप कहीं पे नज़र आ गए, जैसे आम दिनों में होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाफ होता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। तो मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको माल का हर हिस्सा दिखा सकूं। जितनी वीडियो मैं बना सका वो मैं आपको दिखा चुका हूं। जो सूरत हाल अंदर है मॉल के, जो पार्किंग में है, वो भी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, साथ में बता भी चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।